नमस्ते बच्चों, आज हम लास्ट चैप्टर में हमने श्रुति के बारे में जाना था। आज हम स्वर के बारे में जानेंगे, समझेंगे और लिखेंगे। स्वर क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा स्वर कोमल होता है, कौन सा तीव्र होता है और शुद्ध स्वर कौन से होते हैं, ये जानिए, ये लिखेंगे। चलिए आइए लिखते हैं। स्वर स्वर बाईस श्रुतियों में से मुख्य बारह बारह श्रुतियों को स्वर कहते हैं। ये स्वर के थोड़ी दूर पर फैले हुए हैं, फैले हुए हैं। नाम है सरस ऋषभ गंधार
पंचम, धायवाद, और निषाद। निषाद तीन है, क्रमशः तो समझते हैं। 22 श्रुतियों में से पर 22 श्रुतियों में से मुख्य 12 श्रुतियों को स्वर कहते हैं। ये स्वर सप्तक के थोड़ी थोड़ी दूर पर फैले हुए होते हैं। इन स्वरों के नाम हैं सड़क, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धायवत और निषाद। इन्हें क्रमशः सा, रे, गा, मा, आ, धा और नी कहते हैं। जैसे सड़क का सा हो गया, ऋषभ का रे हो गया, गांधार का गा हो गया, मध्यम का मा हो गया, पंचम का पा हो गया, धैवत का धा हो गया और निषाद का नी हो गया। तो
इसको लिखना है आपको। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। स्वर के प्रकार, इसके आगे है स्वर के प्रकार। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर मुख्य दो प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर मुख्य दो प्रकार के होते हैं। आई लिखते हैं, स्वरों के प्रकार। स्वरों के प्रकार, स्वरों के प्रकार। स्वरों के मुख्य दो प्रकार माने जाते हैं। स्वरों के मुख्य दो प्रकार माने जाते हैं। स्वर दो प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से। पहला है शुद्ध अथवा शुद्ध अथवा प्राकृत स्वर। शुद्ध अथवा प्राकृत स्वर। दूसरा है विकृत स्वर। विकृत स्वर। तो स्वरों के दो प्रकार हैं। मुख्य दो प्रकार के स्वर होते हैं। कौन कौन से? पहला शुद्ध अथवा प्राकृत स्वर, दूसरा विकृत विकृत स्वर। पहला है शुद्ध अथवा प्राकृत स्वर, दूसरा
स्वर। अब शुद्ध स्वर क्या है? 12 स्वरों में से 7 मुख्य स्वरों को शुद्ध स्वर कहते हैं। जो 12 स्वर हमने लिखवाए हैं ना स्वर में, उनमें से मुख्य 7 स्वरों को शुद्ध स्वर कहते हैं। ये स्वर ऐसे होते हैं जो अपने स्थान में, अपने निश्चित स्थान में रहते हैं, वो स्वर शुद्ध स्वर कहलाते हैं। आइए लिखते हैं इसको भी। शुद्ध स्वर कौन है इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया। चलिए अब इसको मैं रीड करती हूँ। शुद्ध स्वर क्या लिखेंगे? हेडिंग डालेंगे हम शुद्ध स्वर। शुद्ध स्वर शुद्ध स्वर निश्चित
स्थान पर रहते हैं तो शुद्ध स्वर बनाते हैं। शुद्ध स्वर कहलाते हैं। द्वारा इनका स्थान निश्चित किया जा चुका है। इनकी संख्या मानी गई है। इनकी संख्या 5 मानी गई है। इनके संक्षिप्त नाम संक्षिप्त नाम है
शुद्ध स्वर हमने लिखा, आइए इसको एक बार फिर समझते हैं। शुद्ध स्वर 12 स्वरों में से 7 मुख्य स्वरों को शुद्ध स्वर कहते हैं। स्वर में जो हमने 12 स्वर लिखाए हैं तो उनमें से 7 मुख्य स्वरों को शुद्ध स्वर कहते हैं। दूसरे शब्दों में जब स्वर अपने निश्चित स्थान पर रहते हैं तो उन्हें शुद्ध स्वर, वो शुद्ध स्वर कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जब स्वर अपने निश्चित स्थान पर रहते हैं तो शुद्ध स्वर कहलाते हैं। सप्तक में शास्त्रकारों द्वारा इनका स्थान निश्चित किया जा चुका है। इनकी संख्या 7 मानी गई है। इनके संक्षिप्त नाम हैं सा रे गा मा पा धा और नी। ये हम पहले भी बता चुके हैं आपको, जब हमने स्वर लिखवाए थे, स्वर के बारे में लिखवाया था। स्वर क्या है ये उसमें भी लिखवाया था। एक बार फिर 12 स्वरों में से 7 मुख्य स्वरों को शुद्ध स्वर कहते हैं। दूसरे शब्दों में जब स्वर अपने निश्चित स्थान पर रहते हैं तो वह शुद्ध स्वर कहलाते हैं। शास्त्रकारों द्वारा इनका स्थान सप्तक में निश्चित किया जा चुका है। इनके संक्षिप्त नाम है सा रे गा मा पा धा और नी। तो शुद्ध स्वर के बारे में हमने लिखा, इसको आपको नोट करना है, पढ़ना है, समझना है और याद करना है। तो इसको नोट कर लीजिए अपनी संगीत की कॉपी में जो आपने बनाई हो।
इरेज करते हैं हम। आप आइए, विकृत स्वर। विकृत स्वर क्या है? पांच स्वर ऐसे होते हैं, पांच स्वर ऐसे होते हैं जो शुद्ध तो होते ही है, साथ ही साथ वो विकृत भी होते हैं। जो स्वर अपने निश्चित स्थान से थोड़ा उतर जाते हैं अथवा थोड़ा चढ़ जाते हैं वो विकृत स्वर कहलाते हैं। पांच स्वर ऐसे होते हैं जो शुद्ध होते हैं, शुद्ध भी होते हैं और विकृत भी होते हैं। जो स्वर अपने स्थान से थोड़ा चढ़ जाते हैं अथवा थोड़ा उतर जाते हैं वो विकृत स्वर कहलाते हैं। चलिए विकृत स्वर लिखते हैं। विकृत स्वर, विकृत स्वर। विकृत भी होते हैं, साथ ही विकृत भी होते हैं।
जो सर अपने स्थान से थोड़ा थोड़ा चार जाते हैं अथवा उतार जाते हैं अथवा उतर जाते हैं वह विकृत है वह विकृत स्वर वह विकृत स्वर कहलाते हैं कहलाते हैं विकृत स्वर क्या है विकृत स्वर पांच स्वर ऐसे होते हैं जो शुद्ध तो होते ही हैं साथ साथ वो विकृत भी होते हैं जो स्वर अपने स्थान से थोड़ा उतर जाते हैं या थोड़ा चढ़ जाते हैं तो वह विकृत स्वर कहलाते हैं। फिर एक बार विकृत स्वर के बारे में पांच स्वर ऐसे होते हैं मुख्य 12 स्वरों में से पांच स्वर ऐसे होते हैं जो शुद्ध तो होते ही हैं साथ साथ वो विकृत भी होते हैं। ये स्वर ऐसे होते हैं ये स्वर ऐसे स्वर होते हैं जो कभी कभी गाते बजाते समय अपने स्थान से या तो ऊपर चढ़ जाते हैं या तो नीचे उतर जाते हैं तो
वही स्वर विकृत स्वर कहलाते हैं। तो आज आपको ये हमने लिखाया स्वर क्या है, स्वर के बारे में जाना और स्वरों के प्रकार, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर दो प्रकार के होते हैं हमने लिखा, पहला है शुद्ध स्वर अथवा प्राकृत स्वर, उसको हमने लिखा। दूसरा है विकृत स्वर, उसको हमने लिखा, सभी को लिखा, समझा और जाना। इसको आपको नोटबुक में लिखना है, संगीत की कॉपी जो आपने बनाई है उसमें लिखना है, इसको नोट कर लीजिएगा और इसको पढ़ना है, याद करना है और समझना है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले उसमें मिलेंगे, अगले वीडियो में।
सर कुबला थोड़ा, सर कुबला।